वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे क्यों व्लॉग बंद कर? सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने कहना हाँ बेटा आप बोलो। ओके बेटा आप बोलूंगी। सो गाइस आज का जो मेरा आउटफिट है डे का मटकोर वाले दिन का ये है एंड वीडियो को प्लीज 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 लास्ट तक देखना। आपने ऐसा दूल्हा तो आज तक नहीं देखा होगा कि जो मतलब इतना खुल के इतना एंजॉय किया है ना इन्होंने। मतलब हमारे घर की जितनी शादी हुई है उन शादियों में से मैं दूल्हों की बात कर रही हूँ कि मतलब हमारे घर में इतना दूल्हे ने खुल के तो किसी ने डांस नहीं किया जो चाचा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हो गया है 10 तारीख और बस कुछ दिन और इस गांव में, उसके बाद फिर हम अपने शहर में वापस लौट जाएंगे। सो हम जा रहे हैं, आज माटी कोर है चाचा का, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जा रही है ना गांव में। मतलब किसी कोई वैसे जेंट्स नहीं आए हैं हमारे घर पे, है नहीं, तो लाने ले जाने में ना बार बार मामा के घर पे बोलना पड़ रहा है। एंड मैंने लिपस्टिक लगा ली और मेकअप सब शाम को करूँगी। शाम को मैं आउटफिट भी चेंज करूँगी, देखूँगी। और बाकी मैंने ये वाला सूट पहन लिया है नायरा कट। और बस हमारा गाड़ी आ जाए फिर हम लोग पहुँचते हैं। और दादी नहीं है, दादी वहीं रुक गई थी, उसी दिन तिलक वाले दिन है क्या बेटा? नहीं खुलेगा। और बस रानी तैयार हो गई है, मम्मी तैयार हो गई है और निकलते हैं। राहुल बाबू के और खाई जाओ खाली औरत लोग मार्केट पे जा ले दम सही बात। हम पहुंच गए और हम मिल गए। हाय हम मिल गए जिसने हमें सबसे ज्यादा मिस किया। सीरियसली मैं बोर हो रही थी, बार बार मैसेज कर रहे थे कब आओगे कब आओगे। तो क्या करूँ बताना, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने हम लोग आ गए फिर छत पे बैठे आके। ले लो भाई पिया करो, ले लो पूरी पिया करो, ले लो देख लीजिएगा चाची। आपकी आपकी जॉब आपका जॉब खतरे में दूसरा प्रियंका सिंह तुम लोग जोड़ लो तो गाइस यहाँ पे लग रहा है उपटन, ये है दूल्हे। और अभी जो डांस स्टार्ट होगा ना वो आप देखोगे ना तो एकदम मतलब ऐसा लगेगा एकदम खुल के जैसे होता है ना एंजॉय करना वो। और ये हल्दी नहीं लग रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ मटकोर से पहले उपटन लगता है तो यहाँ पे उपटन लग रहा है। I'm gonna make you mine.
पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हमारे फैमिली में, हमारे आसपास में, जो जिनका मतलब हम, मैं तो सीरियसली बताऊँ, मैं चाचा वगैरह का ये जो रूप है ना, ये मैंने कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि काफ़ी जो डिसेंट सीरियस और मतलब क्या ही बताऊँ। और मम्मी मेरी भाभी लगती हैं चाचा की, उन्होंने क्या गजब डांस किया था दोनों जनों ने, और जैसे लग रहा था ना इतना खुल के इंजॉय किया था ना,
मैं सच बताऊं मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा है दूल्हे को इतने अच्छे तरीके से इंजॉय करते हुए अपनी वेडिंग, और इतना मस्त मस्त डांस किया था कि मन खुश हो गया था। और सच में अब जाके लग रहा है शादी वाला घर। इतना सब कुछ बिजी था ना कि हम लोग इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली आज हम बहुत इंजॉय किए हैं। हमने अपटन के बाद सबने मिलके खूब डांस किया, मतलब बूफर बजा के खूब मस्त एकदम डांस किए, और एक से बढ़कर एक गाने थे। और मतलब क्या ही बताऊँ, जब घर में शादी का माहौल हो ना तो बिना डांस के वो माहौल नहीं लगता है शादी का। एंड नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग तो एकदम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना धमाल हुआ है मटकोर में मेरा लुक। सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी। एंड यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो मतलब ये दिख रहे हैं ना, जो मेरी दूसरी दादी हैं उनके बेटे हैं, का हमारी सेम एज के हम लोग, तो इसीलिए हम लोग चाचा और वो भतीजी वाला रिलेशन नहीं रखते हैं, बिकॉज अब सेम एज का होता है तो थोड़ा सा लगता है। ये बार बार ना प्रियंका बो को शर्मा दे रहे थे, तो वो डांस थोड़ा मतलब कम करती हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं ढोल वाले, क्योंकि अब हम लोग जाएंगे माटी कोड़ने थोड़ी देर में। तो इन्जॉय इन्जॉय और सिर्फ इन्जॉय। चैनल पे नए हैं तो बहुत सारा सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, शेयर करें। एंड आई होप आपको जो गांव की रिचुअल्स हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी माटी कोड़ का अच्छे से समझाऊँगी। और बहुत सिंपल प्यारी सी हमारी छोटी सी बड़ी सी फैमिली।